तो अभी हमें ठेकड़ी में हम कल शाम को ही आ गए थे, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा घूम नहीं पाए ठेकड़ी में। ठेकड़ी हम आए थे सीधे मुनार से, ठेकड़ी ज़्यादा इसलिए नहीं घूम पाए क्योंकि थोड़ी सबकी तबीयत वीक थी, तो इसकी वजह से कोई बाहर नहीं गया, कुछ नहीं हुआ हमारा। इधर ठेकड़ी में कुछ साइड सीन थे 2-3, लेकिन वो भी हमने नहीं किया। अभी सोच रहे कि अभी जाते जाते एक साइड सीन करेंगे अभी, तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक साइड सीन करके हम जाएंगे LEP। LEP में आज रात का स्टे का है ना, वो बोट हाउस में वो दिखाऊंगा। बोट हाउस इधर का बहुत फेमस है, देखते हैं क्या 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 होता है उधर बोट हाउस में। बस तो यही है, अभी तो सबकी थोड़ी वीक चल रही है तबीयत, तो इसीलिए हम कहीं पे घूम नहीं पाए, थोड़ा रेस्ट कर लिया क्योंकि आगे के अभी 2-3 दिन निकालने हमें, तो उसकी वजह से हमने इधर रेस्ट किया। और अभी इधर से हम निकल रहे हैं, इधर ठेकड़ी का एक साइड सीन है परमदुम पारा करके, तो उधर जाने वाले हम, तो उधर जाके मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। वो भी व्यू पॉइंट ही है, अब तो हम भी थक गए व्यू पॉइंट देख देख के, कुछ नया करना है तो अभी देखते हैं। उधर एक लास्ट व्यू पॉइंट है वो देख लेंगे, फिर उधर से सीधा जाएंगे हम LEP। LEP में है बोट हाउस, उधर बोट हाउस में ना हम, इधर फेमस है थोड़ा बोट हाउस, क्योंकि इधर उस बोट हाउस में तुम्हें स्टे करना रहता है रात को, उधर सब खाना वगैरह सब बोट हाउस में ही मिलता है। तो अभी देखते हैं क्या है, हम मैं जैसे इधर से निकलते परमदुम धारा पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू है उधर का, सही है चलो। और हाँ, व्लॉग थोड़े लेट आएंगे क्योंकि अभी सीन ऐसा है कि एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। मैंने सोचा था कि ये डेली जितना भी घूमूंगा वो एक्सप्लोर करके रात को एडिट करके दूसरे दिन डाल दूंगा, लेकिन वो थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, रात को लेट सोने का हो रहा है, तो उसकी वजह से व्लॉग एडिट नहीं हो रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी ट्रिप ख़त्म होने के बाद 1 या 2 तारीख को सूरत पहुँचूंगा मैं, तो तब जाके घर पर जाके व्लॉग एडिट करके एक एक करके डालना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा। और एडिट तो किया मैंने, लेकिन वही दिक्कत है थोड़ी, एडिट करने के बाद भी थोड़ा बहुत एडिटिंग रह रहा है, कहीं पर नेट नहीं मिल रहा है, ये है वो, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो अभी तो नहीं होगा शायद। तो मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी डाल सकूँ, क्योंकि आज हम स्टे करने वाले हैं बोट हाउस में, तो उधर भी शायद नेट नहीं रहेगा, तो नेट के बिना उधर मैं शायद लाइव करूँगा। अभी देखता हूँ क्या क्या होता है, मैं आपको दिखाऊँगा जो भी होता है, सही है चलो। तो आ चुके हम परमदुम पारा, व्यू देखो गाइस पीछे का, हाय हाय क्या क्लाउडी वेदर है, बादल ऐसे हमारे सामने देखो जा रहे हैं बादल, ये देखो सिर्फ एक बार तुम, क्या सही है घर इधर का, हमारे सामने से बादल जा रहे हैं। बहुत सही वेदर है, बहुत सही परमदुम पारा, अच्छा लगा। पहले इधर आने का नहीं था इतना कुछ, लेकिन अब आ गए, अच्छा किया आके। देखते हमें किधर जाना, एक पॉइंट है हमने देखा था, हम सब वही लोकेशन पे जा रहे हैं जो हम घर से सबको प्रिपेयर करके आते, थोड़ा ट्राई कर रहे कि वो कवर कर पाए। ये पीछे देखो सब जगह पे मस्त वेदर है, हमारे सामने से बादल जा रहे हैं, ये देखो आगे कितने स्पीड में जा रहे हैं, ओ वाह ओ वाह, बहुत सही। बहुत सही लोकेशन है भाई ये तो, हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा है, शायद अभी तक का पहला ऐसा व्यू पॉइंट है जो इतना सही है, पहली बार देखा हमने ऐसा व्यू पॉइंट, वो आई ये देखो, हाँ
नीचे है बादल सब। मस्त व्यू है। हमें किधर जाना था? वो वाला पॉइंट किधर है जो हमने देखा था? वो आगे हमने वो वाला पॉइंट देखा था। देखो वीडियो में हम देख के आए थे, मैं दिखाता हूँ आपको। बारिश शुरू हो गई है इधर। वो देखो इधर जाए, ये वाला पॉइंट देखा था हमने। फिर हमने सोचा नहीं इधर तो जाना है, और वही पॉइंट देखने आया हम इधर। बहुत सही लोकेशन है। एक बार देखो सिर्फ तो पीछे बादल सारे दिख रहे हैं, इतने नज़दीक से। इतने नीचे है ना बादल हमारे, तो कैमरे में ऐसा दिख रहा है कि बाजू में ही है, लेकिन नहीं है, बहुत नीचे है बादल। सारा व्यू देखा है भाई, बहुत सही लोकेशन है, बहुत सही। चलो थोड़ा स्लो मोशन लेने की ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों को, अगर अच्छा आएगा तो डाल दूंगा मैं। सही है व्यू देखो गाइस, थोड़े ही टाइम में सब फॉगी हो गया। पहले ऐसे ही दिखाया था ना मैंने, जो ग्रीन था ये पूरा। देखो भी इधर पूरे बादल, कुछ नहीं दिख रहा पूरा। वो बोले ना, वो ऐसा बोलते हैं कि जमीन आकाश एक हो गया, ऐसा सीन है। देखो सिर्फ आगे का भी नहीं दिख रहा अभी तो, पहले तो थोड़ा भी दिख रहा था, मैंने आपको दिखाया था। और अभी देखो, अभी कुछ नहीं दिख रहा। देखो सिर्फ सब फॉगी फॉगी। मस्त व्यू है। मजा आ गया। प्रॉप्स जोड़े लाइव आज आपड़े आप। ये आगे का देखो, मस्त फॉगी वेदर हो गया पूरा। पहले थोड़ा भी दिख रहा था, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। पूरा डार्क आएगा देखो, ऐसे क्लियर आएगा नेचुरल लाइट में। मस्त सीन है, मज़ा आ गया। अभी थोड़ी देर में इधर से निकलेंगे, फिर सीधा जाएंगे LAP, जो मैंने हाउस बोट की बात की थी। सही है, चलो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बोट हाउस में। आपको लग रहा होगा कि ये किस एंगल से बोट हाउस है, क्योंकि पीछे पूरा रूम दिख रहा है आपको। तो रुक जाओ, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये है बोट हाउस और ये है रूम का व्यू, देख रहे हो? ये है हमारे रूम का व्यू और हमारी बोट हाउस में। हमारी बोट हाउस में दो रूम है हमारे पास। रुको मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा रूम। ये है हमारा पहला रूम, हम पांच लोग हैं तो ये एक रूम हो गया। दूसरा रूम मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये है हमारा दूसरा रूम, ये रूम देख लो, ये हमारा दूसरा रूम है। हम पांच बंदे हैं तो पांच बंदे के लिए दो रूम है। इधर से भी सेम व्यू है देखो, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर का। ये तो हो गया अंदर का, और इधर है किचन। पहले ऊपर का व्यू देखते, आ जाओ। हाँ ये रहा, ये देखो हमारी जो बोट हाउस है उसके ऊपर का रूम है। ये रूम तो नहीं है, ये हमारी जो बोट हाउस है उसमें जो ऊपर, इधर चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो। ये अभी इसलिए बन गया है क्योंकि बारिश हो रही थी। व्यू देखो एक बार, ये देखो। और भी बहुत सारी बोट हाउस है इधर, ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत सारी है। और ये है पूरा व्यू, ये पूरा ऊपर का चिलिंग एरिया, इधर बैठ सकते हो तुम, बैठ के व्यू एंजॉय करो बस। वो देखो वो जा रही है बोट हाउस, दूसरी भी है इस साइड, बहुत सारी है। ये आई थिंक वर्ल्ड का सेकंड सबसे
सबसे बड़ा लेक है। ये बहुत सारी बोट लेक में चल रही है, अभी हमारी बोट भी लेक में ही चल रही है। ये हमारे ऊपर का व्यू, अभी बारिश की वजह से ये पूरा बारिश की वजह से ये पूरा बंद किया है, क्योंकि गीला हो रहा था उनका, ये जो वुड का बनता है ना पूरी बोट, तो वुड ख़राब हो जाता है बारिश में, तो ये बंद किया है। अभी मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये सीढ़ी यहाँ से इधर से आना है नीचे, थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आपको। देखो ये पीछे का व्यू, देखो इधर से पीछे का व्यू दिखता है। ये व्यू देखो एक बार, सही व्यू है ना, एकदम सारी बोट दिख रही है इधर से। हवा भी मस्त चल रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे का व्यू, जो कि नीचे से जिधर से एंटर होते हैं बोट हाउस में। हम आए थे 2 बजे के आसपास, हाँ 2 बजे हमने एंटर किया था बोट हाउस में, और हम बोट हाउस में रहने वाले कल सुबह 9 बजे तक पूरी नाइट बोट हाउस में ही स्टे करने वाले हैं। और जो 2 रूम है, दोनों रूम में AC भी है, तो अच्छा है कि तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी रात को, क्योंकि रात को बोट नहीं चलती। रात को बोट एक ही जगह पे ये लोग खड़ी कर देते हैं, क्योंकि इधर का कुछ गवर्नमेंट का रूल्स है, 6 बजे के बाद ये लोग बोट नहीं चलाते। 6 बजे के बाद बोट जहाँ पर भी है वहाँ खड़ी कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है कि नहीं चला सकते ऐसे। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू। थोड़ा डार्क आ रहा है ब्लैक, लेकिन अभी क्या करें, इधर कोई ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिधर से लाइट आए, समझ रहे हो। तो बस अभी मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, चलो। ये देखो, ये है नीचे का व्यू पूरा हाउस बोट का। और यहाँ से ये बोट चलाते हैं इधर से, बहुत सही व्यू है। क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सही एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी थोड़ा क्लाउडी वेदर है, इसलिए अच्छा दिख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा ब्लैक आएगा। बहुत सही व्यू है लेकिन इधर से। तो अभी बजे 8:30 जैसे बजे, अभी भी हम बोट हाउस में ही है। 24 आवर का था बोट हाउस में, जो भी अभी भी हम बोट हाउस में, मॉर्निंग का है। अभी 9 बजे हमारा चेकआउट का टाइम है बोट हाउस में इधर से। रात को ज़्यादा व्लॉग हो नहीं पाया, क्योंकि पूरा अंधेरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। जैसे तैसे जितना भी मैंने आपको दिखाया उतना दिख रहा था, तो मैंने दिखा दिया वो। तो बस यही है, अभी तो बोट हाउस में ही हम। आप व्यू देखो मॉर्निंग का व्यू कैसा है इधर से, मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ, रुको आपको। ये देखो, ये सब और बोट हाउस है इधर, जो कि हमारे साथ चल रही है। व्यू अच्छा है, वर्थ इट है, लेकिन आ सकते हो, कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है। मस्त व्यू है ये देखो। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इधर, क्योंकि इधर बारिश का मौसम कम है, बहुत कम है। कल था इसीलिए सब कुछ पैक था, लेकिन आज सब कुछ खोल दिया। देखो नीचे अंदर पूरा सब खोल दिया, अच्छा है। और आज हमारा किन सा, ये तीसरा या चौथा दिन है अपना, चौथा, हाँ ये अपना चौथा दिन है। और कितने दिन, और 2 दिन है हम केरला में। 2 दिन में आज का तो यही प्लान है कि 9 बजे इधर से चेकआउट कर लेंगे, फिर उसके बाद शायद हम जाएंगे वर्कला, जिधर बीच है, जो बीच थोड़ा अच्छा है उसका, मैंने थोड़ा देखा था वो बीच अच्छा है, तो वो हमने थोड़ा लिस्ट में रखा है। अभी देखते उधर शायद स्टे नहीं करने वाले, पहले करने वाले थे, लेकिन अब स्टे उधर का नहीं सोच रहे,
वर्कला में स्टे नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत घूम लेंगे, फ़ोटो वोटो खींच लेंगे, फिर उधर से निकल जाएंगे त्रिवेंद्रम, जो कि वर्कला से है, एक घंटे का रास्ता है, कुछ 50 किलोमीटर के आसपास है। तो उधर से हम चले जाएंगे सीधा त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम में हमें जाना है, एक टेम्पल है, मुझे उसका नाम अच्छे से नहीं पता, पद्मनाभ स्वामी करके कुछ तो है, कोई एक टेम्पल है, तो उधर जाना है हमें। तो उधर जाएंगे हम मॉर्निंग में शायद, तो मतलब अभी हमारे लिए, हमारे पास 2 दिन है केरला घूमने के लिए। फिर तीसरे दिन हम इधर से निकल जाएंगे कोची के लिए, जहाँ से हमने ट्रेन, जहाँ पे हमारी ट्रेन है, बस उधर से फिर वापस घर, और क्या, फिर अपनी वही लाइफ, यूट्यूब वाली, स्क्रिप्ट बनाओ, एडिटिंग करो, व्लॉग तभी आएंगे शायद, अब तो घर जाके आएंगे, क्योंकि अभी भी बोट हाउस में इधर कोई वाईफाई है नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ फुटेज सेव कर रहा हूँ अभी, जितना भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। मैं जब एडिट करने बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है इधर, शायद घर पे रहता तो पीसी रहता मेरा, तो पीसी पे मैं कर देता सब कुछ, लेकिन इधर नहीं हो रहा इतना, तो क्या ठीक है, कुछ नहीं, घर पे जाके मैं डाल दूँगा, एक एक करके एडिट करके डाल दूँगा व्लॉग सब, मुझे लगा डेली डाल दूँगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, अब क्या करें, बस यही है अभी, तो व्यू ही देखो, इधर यही देखना है, सिर्फ चिल मारने ही आए हम केरला, बहुत सही व्यू है, थोड़ा डार्क आ रहा होगा क्योंकि सन निकल चुका है। अच्छा व्यू है, लेकिन रीलरों के लिए बहुत अच्छा है, रील बनाने के लिए, हम तो रील बनाते नहीं, तो अपना तो कुछ नहीं है। ये देखो दूसरी बोट जा रही है अपने साइड से, ये देखो, हाँ ये सीन मस्त लग रहा है सर, स्लोमो में लिया तो अच्छा लगेगा। दूसरी बोट साइड से जा रही है हमारे, उधर भी किसी ना किसी ने स्टे किया होगा, ये पता नहीं कितने रूम वाली बोट है, ये दो या तीन रूम की बोट है, 2 रूम लग रहे हैं, हाँ 2 ही रूम है, 2 रूम की बोट है, हमारे जैसे ही, हमारे भी 2 रूम ही है, इधर सब ऐसा ही चलता है। अगर बड़ी बड़ी भी रहती है, अगर 10-15 बंदे आ रहे हैं तो उनके लिए भी है बोट, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 बंदों के लिए ही है, जितने भी बंदे हैं आ सकते हो तुम, हाँ बहुत ज़्यादा रहेंगे तो फिर 2 बोट तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मिनिमम 10-15 के आसपास रहता है तो हो जाएगा एक ही बोट में, उतनी बड़ी बोट भी है इधर। हाँ सही है, अभी तो व्यू एंजॉय कर रहे, ब्रेकफास्ट कर लिया, इडली दिया तो अच्छी थी, इडली तो थोड़ी खा ली पेट भर के, बस यही है, अभी इधर से 9 बजे चेकआउट करके जाएंगे फिर अपने वर्कला, वर्कला पे बीच है, बीच अच्छा है उधर का, ऐसा देखा भी है और सुना भी है, तो उधर जाएंगे। चलो तो फिर मिलते हैं वर्कला पे, क्योंकि रास्ते में थोड़ा व्यू दिखा पाऊँगा तो दिखा दूँगा, बाकी तो फिर वर्कला या सीधा भी मैं आपको व्लॉग स्टार्ट करूँगा वापस, सही है, चलो बाय बाय, तब तक मैं थोड़ा सिनेमैटिक लेने की ट्राई करता हूँ, अगर कुछ अच्छा आ जाता है तो आप लोगों के लिए, चलो।